अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारी सेकंड जूम की क्लास, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रोफाइल बैकलिंक्स और वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स। अगर आप प्रोफाइल बैकलिंक्स और वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स बनाना सीख लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको जूम क्लास में सिखाया था और उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, तो आप इंशाल्लाह 50 से 60 हजार रुपए महाना कमा सकते हैं और आपका 60% कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 2-3 बैकलिंक्स और टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द सिखा दूंगा। और मैंने कैसे वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स, सिर्फ मैंने 2 घंटे काम किया वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स क्लाइंट को प्रोवाइड किए फाइवर पे लाइव, और मैंने 12 से 15 हजार पे लाइव में आपको शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैंने कैसे अर्न किए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वेब पॉइंट टू प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना सीख लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंशाल्लाह आप ये कोर्स कंप्लीट करते ही 50 से 60 हजार रुपए इजीली महाना कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, काम आपको ही करना पड़ेगा। जूम की क्लासेस सैटरडे संडे को हमारी हर वीक होती हैं, जहां पे मैं आपके लाइव क्यूरीज क्लियर करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, आपको बैकलिंक्स बनाना सब कुछ वहां पे क्लियर करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज फिर हम बात करते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में। प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं? प्रोफाइल बैकलिंक सिंपल, जिस तरह हम अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं, पिंटरेस्ट का, क्यूरा, किसी चीज से भी हम अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले हम उसकी प्रोफाइल्स को फिल आउट करते हैं, मीन्स उसमें अपना डाटा पुट करते हैं। तो जस्ट आपने डाटे वाली जगह सेटिंग में जाके, किसी भी अकाउंट की सेटिंग में जाके अपनी वेबसाइट्स का लिंक लगाना होता है और कुछ भी नहीं करता, वो एक प्रोफाइल्स बन जाती है साइट्स की। सबसे पहले आपको सर्च बताऊंगा आपने लिस्ट में कैसे सर्च करना है। आपने गूगल पे जाना, गूगल पे जाके लिखना आपने प्रोफाइल बैकलिंक लिस्ट, आपके पास प्रोफाइल बैकलिंक की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपने कोई भी साइट ओपन कर लेनी है जहां पे प्रोफाइल बैकलिंक्स अवेलेबल हो। सिंपल आपने साइट्स को ओपन बाय वन, साइट्स को, ये सारी साइट्स आपके सामने आ गई हैं, सिंपल आपने वन बाय वन साइट्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इनकी सेटिंग में जाके, मीन्स के जब भी हम किसी चीज अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले कहते हैं प्रोफाइल आपका नाम क्या है, अब अगर आप अपना एड्रेस बताना चाहते हैं या कुछ भी अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, जैसे कि आप इंस्टाग्राम है, मैं आपको शो करवाता हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी। जिस तरह ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मैंने इसकी प्रोफाइल बनाई है, इसकी प्रोफाइल में मैंने आप एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये मैंने यूट्यूब का लिंक लगाया है। इस तरह आपने कोई भी प्रोफाइल्स बनानी है, उस पे जाके जस्ट क्लाइंट की साइट का लिंक देना और कुछ भी नहीं करना। बैकलिंक्स क्या होता है वो मैं ऑलरेडी पिछली प्रीवियस वीडियो में आपको रिवाइज कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं अगेन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने बैकलिंक को समझ लेना कि बैकलिंक्स क्या होता है, और आज हम बात करें प्रोफाइल बैकलिंक्स के बारे में। एक प्रोफाइल बैकलिंक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। चले मैं इस क्यूरा पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने इसे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने इधर अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना, ठीक है। कोई भी गूगल अकाउंट आप फर्ज कर लें, अपना बना लें एज ए प्रैक्टिस के लिए। ये देखें यहाँ से जस्ट ये साइन अप हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्यूरा का अकाउंट बन गया, ठीक है। इसके बाद 2-3-4 ही सिलेक्ट कर लेने, हर साइट की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने इसकी प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल में अपना डाटा देना है। कोई भी साइट को आप फर्ज कर लेंगे, आपने क्लाइंट ने कोई भी आपको साइट दी है, आपने उसकी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर एक प्रोफाइल बैकलिंक बनाना। सबसे पहले आपने इसकी प्रोफाइल की सेटिंग में जाना है, मैं इसकी प्रोफाइल की सेटिंग में चला गया, ठीक है। इधर आपने वो नाम रखना जो आपकी क्लाइंट की साइट का नाम होगा, लाइक मेरी क्लाइंट की साइट कुछ भी कर लेते हैं, लाइक पबजी है, मैंने इसका यहाँ पे नाम चेंज कर लिया है। मैंने इसकी सेटिंग में आके क्लाइंट की साइट का लिंक लगाना है जस्ट, और मैंने कोई काम नहीं करना। ये डिस्क्रिप्शन का, कहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने लिखना है यस इट्स अ वेरी, मैंने फॉर एग्जांपल लिया है pubgmodeapk.com, सही है पबजी, ये एक साइट का नाम मैंने अपनी तरफ से फर्ज कर लिया कि मुझे क्लाइंट ने साइट दी है, ठीक है, pubgmodeapk.com। आपने उसकी साइट से रिलेटेड, किसी भी नीच से रिलेटेड आपने वहां पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में 1-2 लाइन लिख देनी। प्रोफाइल्स बैकलिंक में इतना मींस के आपके पास स्पेस नहीं होती कि आप इतना डाटा पुट कर सकें, जस्ट आपने एक लाइन का उसके बारे में लिख देना उसकी प्रोफाइल में आके, और इसे अपग्रेड कर देना। ये ले जी क्लाइंट की साइट का लिंक लग गया। अगर मैं इसे दूसरे टैब में ओपन करता हूं, तो ये आपके सामने
पबजी मोड एपी का एक बैकलिंक बन गया, यह है प्रोफाइल बैकलिंक। इस तरह वन बाय वन आपने इन सारे प्रोफाइल बैकलिंक्स को ओपन करना है और प्रोफाइल बैकलिंक्स को बनाना है। ये वाला लिंक जो अब ये नेक्स्ट लिंक बना है इस साइट के नेम के साथ आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। ये मैंने फर्ज किया है, अज्यूम किया खुद से, क्लाइंट आपको अपनी कोई भी साइट दे सकता है, cheer.com या कुछ भी। आपने हर बैकलिंक की सेटिंग में जाना है, उसका नाम चेंज करना है। अगर आप नाम भी ना चेंज करते कोई मसले वाली बात, लेकिन नाम चेंज करना अच्छी बात होती है। और उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ साइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन मिले, कुछ साइट के आपको सेटिंग में ऑप्शन मिले, कुछ साइट्स की ऑलरेडी वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप अपनी साइट पुट करें अगर आपकी कोई साइट है। आपने जस्ट जाके इस तरह लिंक्स को अपडेट करना है, इससे कॉपी करना और अपनी शीट में लिख लेना। ये आपका एज अ पोर्टफोलियो भी बन गया अगर कोई आपसे क्लाइंट सैंपल मांगता है प्रोफाइल बैक लिंक्स के बारे में। होप्स आपको इसकी समझ आ गई होगी, प्रोफाइल बैक लिंक्स की लिस्ट कैसे फाइंड करनी है, उसके बाद बैक लिंक्स कैसे बनाने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स की। वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स की लिस्ट को सर्च करना। वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स लाइक का वन पेज डम्मी साइट्स हो जाती है, एक पेज की सिंगल साइट बन जाती है, उसे हम वेब पॉइंट टू कहते हैं। आपके पास एक पेज की सिंगल साइट्स बन जाएगी और उसमें आप अपने क्लाइंट का आर्टिकल को भी इजिली पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने साइट्स पे चले जाना है। ये सारी वो साइट्स हमें शो करवा रहा है जहां पे हम इजीली अपने वेब पॉइंट टू को बैकलिंक्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो आर्टिकल है जो हमने पोस्ट करना है वेब पॉइंट टू साइट्स पे, वो हमें क्लाइंट देगा या हमने खुद जनरेट? अगर क्लाइंट आपको देते तो आपने वो यूज करना है, नहीं तो आप क्लाइंट की साइट से भी ले सकते हैं और चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं। चलिए मैं एक बैकलिंक से आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने चले मैं टम्बलर पर ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैंने टम्बलर को ओपन किया, टम्बलर को ओपन करने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपने जीमेल अकाउंट से इसे साइन अप करना है। ठीक है, देन आपने इसे साइन अप कर लेना है। अब आपसे कुछ ये क्यूरीज पूछेगा, कुछ भी आपने दे दें, ठीक है, आप कुछ भी अपनी तरफ से अज्यूम कर ले, मैं भी अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। कोई भी आप ब्लॉग का नाम रख दें या क्लाइंट की साइट से रिलेटेड रख देना आपने। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपने ये क्लियर करनी है। हर साइट पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ले जी आपका टम्बलर पे अकाउंट बन गया। ठीक है, टम्बलर पे आपका अकाउंट बन गया है। अब आपने इसके ऊपर वेब पॉइंट टू बनाना, आपने सबसे पहले टेक्स्ट पे जाना है। अभी आपको जगह अवेलेबल होगी, स्पेस मिल गया जहां पे अपने क्लाइंट की साइट का आर्टिकल पुट करना। फॉर एग्जांपल मेरी क्लाइंट की साइट थी पबजी मोड एपी के, उसने मुझे दी, उसने कहा जी उमर आपने इसके ऊपर अपने बैकलिंक्स क्रिएट करना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उसकी साइट को ओपन किया। अब ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, आपने समझ नहीं लेनी। ठीक है, मैंने उसकी साइट से यहां से आर्टिकल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं टम्बलर पे गया, टम्बलर पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपल, समझ आ रही है आपको? लिंक को मैंने पेस्ट किया, उसके बाद मैंने उसकी साइट का लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद एंड पे मैंने उसकी साइट का लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई इधर तक आपकी? ऊपर आपने उसकी साइट का टाइटल भी दे देना है, पबजी। सिंपल, आपने उसे पोस्ट कर देना। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे आपको इस तरह से एक लिंक बन जाएगा, एंड पे उसकी साइट का लिंक भी अवेलेबल है और ये पूरा एक आर्टिकल उसकी साइट का आ गया। वेब पॉइंट और प्रोफाइल बैक लिंक्स में यही डिफरेंस है कि प्रोफाइल बैक लिंक्स में उसकी प्रोफाइल्स बनती हैं सेटिंग्स में जाके, और वेब पॉइंट टू बैक लिंक्स में ये है कि आप उधर उसकी पूरी एक डम्मी साइट वन पेज की बन जाती है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह वन बाय वन साइट्स को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उन पे जाके आर्टिकल पेस्ट करना है। आर्टिकल क्लाइंट भी दे सकता है, अगर क्लाइंट नहीं देता तो आपने उसकी साइट से ले लेना आर्टिकल। ठीक है, और आप एक आर्टिकल को 100 वेबसाइट से भी पेस्ट कर सकते हैं, फिर ब्लर्निज्म वाली कोई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी एक न्यू लिंक हमारे पास बन गया जो हमने उसकी साइट का अभी बनाया है टम्बलर पे, ये हमारे पास लिंक है। इस लिंक को उठा के आपने अपनी शीट पे सेव कर लेना है।
ये एज अ पोर्टफोलियो आपके काम आएगा। मजीद चीजें मैं इंशाल्लाह आपकी क्लास में क्लियर कराऊंगा। मैंने आपको प्रोफाइल बैकलिंक क्लियर करवा दिया, मैंने आपको वेब पॉइंट टू बैकलिंक भी क्लियर करा दिया। होप्स आपको इस बात की समझ आ गई होगी। प्रोफाइल बैकलिंक में प्रोफाइल्स बनती हैं, जिस तरह ये प्रोफाइल्स मैंने बनाई है, ये एक क्लाइंट की साइट का प्रोफाइल बैकलिंक बन गया। और वेब पॉइंट टू में एक वन पेज की डमी साइट्स बन जाती है, जिसमें आप पूरा क्लाइंट की साइट का लिंक पेस्ट कर देते हैं, उसका आर्टिकल भी पेस्ट कर देते हैं। प्रोफाइल बैकलिंक में जस्ट प्रोफाइल्स बनती है, उसके माइंड से प्रोफाइल्स बन रही हैं बस, और कुछ नहीं करना। वेब पॉइंट टू में सिंगल पेज की एक साइट बन जाती है। होप्स आपका वेब पॉइंट टू भी क्लियर हो गया होगा और प्रोफाइल बैकलिंक्स भी क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इमेज सबमिशन।